दोस्तों, अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा कर न केवल इतिहास लिखा बल्कि वर्ल्ड कप में पहली बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। वहीं इस धमाकेदार जीत के बाद राशिद खान और पूरी अफगानी टीम ने कुछ ऐसा किया कि पूरे हिंदुस्तान का दिल ही जीत लिया। सभी ने भारत का तिरंगा लहराते हुए जीत का जश्न मनाया और अब तो राशिद खान ने इस बात का खुलासा भी किया है कि क्यों अफगानिस्तान की टीम ने भारत का झंडा उठाकर जीत का जश्न मनाया था। हम आपको ये दिल छू लेने वाला लम्हा और पूरी खबर जरूर दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अगर आप भी अफगानिस्तान की जीत से खुश है, चाहते हैं टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बने, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 25 जून 2024 का दिन अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है, क्योंकि इसी दिन उस अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने, जिन्हें किसी ने सीरियस नहीं लिया था, सभी ने सोचा कि अफगानिस्तान तो टॉप 8 में नहीं पहुंच पाएगी। इसी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने न केवल जीत के रथ पर सवार होकर पहले न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को धूल चटाकर टॉप 8 में क्वालिफाई किया, तो फिर इतनी बड़ी जंग में भारत से भले ही वो हार गए, लेकिन फिर ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया जो विश्व चैंपियन थी उन्हें धूल चटाई और अब बांग्लादेश को पैरों तले कुचलकर अफगानिस्तान ने T20 इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में अफगानिस्तान की टीम ने DLS मेथड के तहत 8 रनों से शानदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह पक्की की है, जहां अफगानिस्तान ने केवल 115 रनों का लक्ष्य डिफेंड करते हुए 8 रनों से ये मैच जीता। इस जीत में राशिद खान और नवीन उल हक ने 4-4 विकेट लेकर सबसे बड़ा योगदान दिया और साथ ही उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप से बाहर किया है बल्कि खुद पहली बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, और ऐसे में हर जगह उनकी जीत का जश्न है। और जैसे ही अफगानी गेंदबाज ने अंतिम विकेट चटकाया, मानो पूरा अफगानी खेमा खुशी से झूम उठा था। राशिद खान, मोहम्मद नबी, सभी अफगानी खिलाड़ी दौड़कर मैदान में आ गए, सभी काफी भावुक नजर आ रहे थे। वहीं कई खिलाड़ियों ने तो जमकर डांस किया, एक दूसरे को सीने से लगाकर आंखों में आंसू ला दिए थे। इस जीत का जश्न मनाया जो दिख रहा था, उनकी खुशियां सातवें आसमान पर है। आखिर हो भी क्यों ना, उन्होंने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका सेलिब्रेशन तो देख लायक था। वहीं इसके बाद अफगानी टीम ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने तो सभी भारतीयों का दिल ही जीत लिया। जी हां, सबसे पहले राशिद खान को भारत का तिरंगा लहराते हुए देखा गया था। इसके बाद जब राशिद खान ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे, तब वो भारतीय झंडा लहराते हुए फैंस को उन्हें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद कर रहे थे। इसके बाद जब अफगानिस्तान की पूरी तरीके से टीम विक्ट्री लैप लगा रही थी, तब राशिद खान के अलावा भी कई अफगानी खिलाड़ियों को भारत का तिरंगा शान से लहराते और फिर उसको आंखों पर सजाते देखा गया था। अफगानिस्तान के इस जेस्चर ने सभी का दिल जीत लिया। तो वहीं मैच के बाद जब इंटरव्यू के दरमियान राशिद खान से पूछा गया कि आखिर उन्होंने भारतीय तिरंगा क्यों लहराया, तो उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि पहली बार हमने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है और ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज अफगानिस्तान ने सभी खुश रहेंगे, शायद उन्हें लगेगा कि हम वर्ल्ड कप ही जीत गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जीत कर इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी इस जीत से हो रही है। इसके बाद राशिद खान ने भारत का तिरंगा लहराने पर बयान देते हुए कहा कि सबसे पहले मैं सभी भारतीय फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि जहां हम भी जाते हैं वहां हमें भारतीय फैंस सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि भारत का झंडा लहराकर हम सभी भारतीय फैंस को शुक्रिया कहें। भारत से हमें बहुत ज्यादा प्यार मिलता है और भारत मेरा दूसरा घर भी है, वो मुझे अपने खिलाड़ियों की तरह ही प्यार करते हैं और ऐसे में उनके देश के तिरंगे को सम्मान देना तो बनता ही है। तो दोस्तों, सच में राशिद खान ने अपने जेस्चर और बयान से सभी का दिल जीत लिया। वैसे आप अफगानिस्तान की जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कॉमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।